पन्ना जिले के साक्षात्कार कार्यक्रम के तहत रविवार के दिन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से रूबरू हुई और इस दौरान छात्राओं ने मंत्री से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब देते हुए मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूल लाइफ जिंदगी की शुरुआत होती है, यहीं से हमारी जिंदगी की नींव बनती है जो सारे जीवन भर काम आती है। दरअसल पन्ना नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने साक्षात्कार कार्यक्रम के तहत पन्ना विधायक एवं कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सर्वप्रथम 12वीं कक्षा की छात्रा ने मंत्री से सवाल पूछा कि अगर आपको टाइम मशीन द्वारा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाए तो आप कौन सी कक्षा में जाना चाहेंगे और क्यों। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जीवन हमेशा सीखने वाला होता है, स्कूल से हमारे जीवन की नींव रखी जाती है, स्कूल के शिक्षकों और दोस्तों के साथ बिताए वह पल जीवन भर याद रहते हैं, इसलिए हमें हमेशा सीखना चाहिए। आजकल कंपटीशन के दौर से ऐसे में स्कूल में जाकर अपने मकसद को पूरा करना चाहिए, क्योंकि स्कूल टाइम का समय बहुत अमूल्य होता है, यहाँ से ही जीवन की रूपरेखा तय होती है। हालांकि मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के साथ सवाल जवाब से छात्राएं काफी खुश हुई और मंत्री ने छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कंपटीशन भरे दौर में आपको अपने आप को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत स्कूल टाइम से शुरू हो जाती है, इसलिए इस अमूल्य समय को बहुत अच्छे से बिताएं और मेहनत कर आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी स्कूल लाइफ का जिक्र करते हुए कहा कि आज के दौर और पहले के समय में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे समय में कंप्यूटर इंटरनेट नहीं था और छात्र छात्राओं को यह सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन कंपटीशन पहले से बहुत ज्यादा है, जिससे आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है। स्कूली जीवन है, वहीं से हमारी शुरुआत हमारे भविष्य की हो जाती है आजकल, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट हो गई है और इसलिए जो भी बच्चा जिस मकसद से जाता है उसको एक टारगेट अपना फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि अब कंपटीशन भविष्य में बहुत ज़्यादा है, हर फील्ड में ज़्यादा है और बच्चों को टारगेटेड होना चाहिए, फोकस होना चाहिए और अपने जो चीज़ आप करना चाहता है उस पर वो ध्यान देना चाहिए।